पर आपने महसूस किया होगा कि हिंदुस्तान में आपदा प्रबंधन एक बहुत बड़ी चुनौती साबित हुआ है। उत्तराखंड से मेरे सहयोगी मनमोहन भट्ट की रिपोर्ट आप देख रहे थे। अगले 24 घंटे कई जगहों पर कहा जा रहा है अगले 24 घंटे में भारी बारिश हो सकती है। देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, पिथौरागढ़ सभी जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट है और भारी बारिश की वजह से ही देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार, टेहरी, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया, स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया। साथ ही बचाव के लिए कोशिशें तेज कर दी गई हैं। उत्तराखंड में दो दिनों में 22 लोगों की मौत भी हुई है। 574 करोड़ का नुकसान हो चुका है और 43 लोगों की मौत उत्तराखंड में हुई है। मुश्किलें बहुत ज्यादा है। बड़ी बात यह है, एक तरफ आपदा प्रबंधन की चुनौती है तो जब बारिश होती है तो ऐसे में लोगों तक मदद पहुंचाना यानी राहत और बचाव के काम में भी काफी दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं। एयरफोर्स से हमने रिक्वेस्ट किया था, एक ALH चॉपर है वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, पहुंच गया है। सो उसको भी हम जो बिंचिंग वगैरह के लिए जरूरत है तो उसको भी यूज करेंगे। अच्छा सर, जो पूरा क्षेत्र है अगर उसकी आबादी बता पाएंगे कि कितने लोग प्रभावित हुए होंगे, चाहे सामान्य तौर पर सड़क से डिस्कनेक्ट हुए हों? नहीं सर, देखिए 7-8 विलेजेस से वो डिस्कनेक्टेड है अभी। वैसे वो रोड वॉश अप होने की वजह से गाड़ियां उसमें पार पार नहीं कर पाएंगे और लगभग 4,000 to 5,000 लोगों का संभावना है उस एरिया में। और उत्तराखंड से रुक करेंगे हिमाचल का, जहां शिमला, सोलन, मंडी, कुल्लू सभी जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट। किन्नौर में हल्की बारिश हुई है। 24 घंटे में बारिश में कमी आने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक मनमोहन सिंह क्या कह रहे हैं सुनिए। दो दिन में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी। अगर पिछले लास्ट 24 आवर में देखें तो लास्ट 24 में ज्यादा बारिश नहीं हुई है, लाइट टू मॉडरेट रही और एक दो जगह ही हैवी रेनफॉल रिपोर्ट हुआ है। लेकिन जो कल हमने जो रिपोर्ट किया था, जो बारिश रिकॉर्ड की थी, वो एक एवर हाईएस्ट थी जिसमें 102 मिलीमीटर बारिश जो पूरे प्रदेश में रिकॉर्ड की थी। तो ब्यास नदी उफान पर है हिमाचल प्रदेश में, आपको लगातार दिखाई रहे हैं कि कैसी तस्वीरें आ रही हैं, भयावह तस्वीरें। 3 दिनों से लगातार भारी बारिश वहां पर हो रही है, आज भी भारी बारिश की चेतावनी है। सीएम जयराम ठाकुर इलाके का जायजा ले रहे हैं। पिछले दो दिनों में ही जो डेथ टोल जो है वो बाढ़ के कारण और बरसात के कारण जो है वो 22 पहुंची है और अभी तक पूरे प्रदेश भर में जो नुकसान का हम आकलन कर रहे थे कि अभी तो बहुत प्रिलिमिनरी स्थिति है, अभी तक सारी चीजें अभी पूरी रिपोर्ट आएगी, लेकिन 574 करोड़ का नुकसान अभी तक आंका गया है। और मैं ये भी देख रहा हूं कि डेथ टोल जो है, जो हमारी बरसात और बाढ़ के कारण जो हुई है मॉनसून सीजन में पर्टिकुलरली, वो 43 जो लोगों की उसमें मृत्यु हुई है और काफी जो लोग जो फंसे हुए हैं, जो वो लोग सुरक्षित हैं, एक बात ये, और दूसरी बात किसी प्रकार की भी दिक्कत कहीं भी किसी आदमी को इस प्रकार से नहीं आ रही है। प्रशासन उसमें जो है हर संभव मदद कर रहा है। तो 43 लोगों की मौत, 500 करोड़ से भी ज्यादा का नुकसान, ये तो अभी पहली रिपोर्ट है। सोचिए जरा, जब बाढ़ बारिश निकल जाएंगे उसके बाद जब आकलन किया जाएगा तो ये नुकसान कितना ज्यादा होगा। मेरे दो सहयोगी इस समय साथ में हैं। यमुना के किनारे से हमारे साथ दिल्ली से पीयूषा शर्मा है, साथ ही देहरादून से मेरे सहयोगी मनमोहन भट्ट, जिनकी रिपोर्ट भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। सबसे पहले पीयूषा, आपका रुख करना चाहती हूं, क्योंकि चेतावनी के स्तर के करीब यमुना का पानी, किस तरह के इंतजाम किए गए हैं और क्या आप देख रही हैं ग्राउंड पर? देखिए अदिति, लगातार हथिनी कुंड डैम से हर घंटे पानी छोड़ा जा रहा है। पिछली अपडेट जो थी वो थी 8 लाख, एक घंटे के अंदर 8 लाख क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा गया, जिसका सीधा असर दिल्ली में यमुना के स्तर पर देखने के लिए मिल रहा है। हम इस वक्त रेलवे ब्रिज के पास है, आपको मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगी, तस्वीरें आपको दिखाएं। ये जो आप यमुना का यहाँ पर पानी देख रहे हैं लगातार बढ़ता जा रहा है, सुबह जब हम यहाँ पर थे तो यही जो पानी था वो काफी पीछे तक था और धीरे धीरे लगातार हर घंटे के साथ ये पानी बढ़ता चला जा रहा है। अगर यहाँ पर व्यवस्था आपको बताएं तो, क्योंकि यहाँ पर अलर्ट पहले से ही जारी कर दिया गया है बाढ़ को लेकर, तो जितने भी लो लाइंग एरियाज हैं वहां से लोगों को सुरक्षित दूसरे सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। करीबन 1100 से ज्यादा दिल्ली NCR से लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा चुका है। यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट से लेकर सिविल डिफेंस और दिल्ली पुलिस की सभी लोग मिलकर के इस पूरी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और अभी जो जल स्तर यहाँ पर है वो 204
मीटर तक है, लेकिन यही जल स्तर हर घंटे जो बढ़ता चला जा रहा है उसको देखकर ये संभावना जताई जा रही है कि जो डेंजर मार्क होता है 205.80 का, वो डेंजर मार्क जो है वो आज शाम तक पार हो सकता है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है कि किसी भी लो लाइंग एरिया में लोगों को ना रहना दिया जाए। अदिति देहरादून का रुख कर लेते हैं, मेरे सहयोगी मनमोहन बट देहरादून से हमारे साथ हैं। मनमोहन, उत्तराखंड से जो तस्वीरें हैं बहुत ही भयावह तस्वीरें, काफी नुकसान, आज भी भारी बारिश की चेतावनी, अभी इस समय क्या हालात? देखिए मैं आपको बताऊं, अभी आपदा प्रबंधन सचिव अमित नेगी और आईजी एसडीआरएफ संजय गुंज्याल हालात का जायजा लेकर आए हैं उत्तरकाशी से, और संजय गुंज्याल की अगर माने तो वहां पे बारिश हल्की हल्की शुरू हो गई थी। आपदा की अगर बात करते हैं तो जो आपदा प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पे ज्यादातर जगह एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुकी हैं या कोई और टीम पहुंच चुकी है, और ये दावा किया जा रहा है कि आज रात तक जो सभी प्रभावित गांव हैं वहां पर एसडीआरएफ की टीमें पहुंच जाएंगी। लेकिन बारिश अगर होती है और तेज बारिश होती है जैसे कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है तो रेस्क्यू ऑपरेशन पे दिक्कत होती है। चार लोगों को एयरलिफ्ट करके देहरादून लाया गया है, उनका इलाज दून अस्पताल में चल रहा है। बारिश का जो अनुमान है वो है अगले 24 घंटे में, और कल रात की स्थिति ये थी कि जो ऋषिकेश और हरिद्वार या गंगा किनारे जो बसे हुए शहर हैं वहां पर भी कई घरों में पानी घुसा है। तो बारिश का जो अलर्ट है उससे परेशानी बढ़नी निश्चित रूप से तय है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊं, 15 से ज्यादा लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड में हुई है, उत्तरकाशी क्षेत्र में, और ये हिमाचल प्रदेश का बॉर्डर है। आपको रोक रही हूं यहां पर, आपको रोक रही हूं क्योंकि दिल्ली में बाढ़ से निपटने के लिए समीक्षा बैठक क्या तैयारी है सुनिए जरा जी। और जिसके कारण आज शाम हो सकता है कि जल स्तर जो है वो 207 तक पहुंच जाए, तो ऐसे सिचुएशन में क्या तैयारियां हैं और कितना ये सिक्योर है आपकी जो यमुना के नीचे निचले एरिया है वहाँ पानी नहीं भरे? सर निचले इलाकों में तो पानी जा सकता है क्योंकि यमुना खादर में ही जो लोग रह रहे हैं, यमुना की बेड लेवल में रह रहे हैं, उन लोगों को शिफ्ट करा रहे हैं, मुनादी भी करा रहे हैं, और राउंड द क्लॉक हमारे डाइवर्स भी मौके पर मतलब मौजूद हैं हर जगह पे, हमारे चप्पे चप्पे पे मतलब बोट लगी हुई है, चप्पे चप्पे पे डाइवर्स लगे हुए हैं, पूरी तैयारी है, कोई किसी को जान माल का खतरा नहीं होने देंगे हम लोग। कह रहे हैं कि तैयारी पूरी है, लेकिन यमुना का जो किनारा जिसका जलस्तर, यमुना का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता हुआ, हथनी कुंड बराज जो भी मेरी सहयोगी पीयूषा को भी आपने कहते हुए सुना, वहां से जो पानी रिलीज किया जा रहा है वो चिंता बढ़ाने वाला है। पीयूषा, हम दिखा रहे हैं, सुनवा रहे हैं हमारे दर्शकों को क्या कुछ कहा जा रहा है, मीटिंग्स का दौर जारी है, करीब कितने लोग हैं जिन पर इसका असर पड़ रहा है? देखिए अदिति, मीटिंग्स लगातार इस चीज को लेकर की जा रही है कि कैसे लोगों को जितने भी लो लाइंग एरियाज है जो खतरे के निशान पर हैं उनको यहां से हटाया जा सके। और यहां पर मैंने जैसे कि आपको बताया, करीब 1100 से ज्यादा लोगों को टेंटों में और कई जगहों पर उनका अरेंजमेंट किया गया है जहां से ले जाया जा रहा है, और कहा जा रहा है अगले दो दिन तक, कम से कम अगले दो दिन तक यहां पर इसी तरह से बाढ़ का खतरा बना रहेगा, क्योंकि हर हफ्ते जो है लगातार वहां से पानी छोड़ा जा रहा है और पता नहीं चल पा रहा है कि कब तक ये बाढ़ है, जो कि कभी भी जो हाई लेवल है 207 बताया जाता है जो हाई लेवल होता है बाढ़ का, वो कभी भी पार हो सकता है। चिंता बढ़ाने वाली खबर है। समय समय पर जो हमारे साथ देहरादून से लगातार बने हुए हैं मनमोहन, जो सवाल मैं पीयूषा से पूछ रही थी वही सवाल मेरा आपसे भी है, कितनी बड़ी आबादी जिस पर इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है, प्रभाव पड़ रहा है? देखिए अदिति, मैं अगर आपको बताऊं, जो 24 घंटे की जो हालत हुई है उत्तरकाशी जिले के मोरी तहसील में, मोरी ब्लॉक के आसपास, अगर उस आबादी की हम बात करें तो 10,000 लोग सीधा प्रभावित हुए हैं। 5,000 लोगों के हताहत होने की बात या उनके प्रभावित होने की बात प्रशासन कर रहा है, लेकिन हमारा जो अनुमान है वहां जो आबादी रहती है वो करीबन 10,000 लोगों की आबादी प्रभावित हुई है। लेकिन अगर मैं पूरे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में चले जाता हूं तो चमोली प्रभावित है, उत्तरकाशी जिले के कुछ और हिस्से प्रभावित हैं, इसके अलावा हम एक तस्वीर दिखा रहे हैं, यमुना की तस्वीर है, पानी का तेज बहाव क्या, पानी का शोर आप साफ साफ सुन सकते हो, पानी किस आवाज को सुनिए, शोर को सुनिए।
और ये जब उत्तराखंड में बारिश होती है तो ये जो टॉन्स नदी है जिसमें जो भीषण हम शॉट्स दिखा रहे थे कल से लगातार, ये टॉन्स नदी सीधा यमुना नदी में ही मिलती है और यमुना नदी आगे जाके दिल्ली में ये इस स्तर तक पहुंच रही है। तो ये उत्तराखंड और हिमाचल में जो बारिश हो रही है इसका सीधा असर दिल्ली पर दिखाई दे रहा है और खतरे की जद में सिर्फ यमुना वैली या टॉन्स वैली या दिल्ली नहीं है बल्कि जो गंगा किनारे रहने वाले क्षेत्र के जो लोग हैं वहां पर भी, जो निचले इलाकों में लोग रहते हैं वहां पर, कल रात चंद्रेश्वर नगर एक जगह है ऋषिकेश में, वहां पर पानी भर गया था और उनमें से 150 परिवारों को बाहर निकाला गया। अगर यही बारिश होगी तो आज रात भी यही स्थिति होगी और बहुत सारे लोग खतरे की जद में आएंगे। तो ये बारिश अगले 24 घंटे बड़े महत्वपूर्ण है उत्तराखंड के लिहाज से और हिमाचल के लिहाज से भी, क्योंकि जहां जहां रेस्क्यू ऑपरेशन दोनों ही स्टेट्स में चलाया जा रहा है वहां अगर बारिश होती है तो लोगों को बचाना या लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाना मुश्किल होता है, क्योंकि उत्तरकाशी क्षेत्र में जो आपदा प्रबंधन की टीमें हैं वो खाने के पैकेट्स लेकर गई है, दवाइयां लेकर गई हैं, पानी की बॉटल्स लेकर गई हैं। अगर बारिश होती है तो वो जो सामग्री है वो अगर नहीं पहुंचती है तो जो प्रभावित लोग हैं उन पर नेगेटिव असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा और उनकी सेहत पर असर सीधा सीधा पड़ेगा। जी बहुत बड़ा असर पड़ेगा, लोगों के लिए दिक्कत है, लोगों के लिए समस्याएं हैं, लेकिन फिर सवाल ये भी हो जाता है कि हर साल ऐसी तस्वीरें आती हैं, हम ऐसी तस्वीरों से निपटने के लिए परमानेंट इंतजाम कोई क्यों नहीं करता, या प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन सरकारें सब इस बारे में लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं करते। पीयूष मनमोहन आप दोनों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे।